वेलकम बैक टू सुनाइशा'स वर्ल्ड। कैसे हैं सब? सभी को मेरा राम राम। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, जो मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे से पूछते हैं कि मैम आप लेक्चरर कैसे बने, प्रोफेसर कैसे बने, आपने क्या क्या किया, कैसे किया। तो आज का मेरा जो ब्लॉग है वो है अबाउट माई सेल्फ, मैंने क्या किया, कैसे किया, एंड आप लोग क्या क्या कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, और क्या स्कोप है टीचिंग लाइन में आगे, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे। तो पूरा ब्लॉग को देखना, मिस मत करना। छोटी छोटी चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और रियलिटी है हर किसी के लाइफ की, जो हम फेस करते हैं बीइंग अ मीडियम क्लास फैमिली को बिलोंग करते हुए। तो इसीलिए पूरे ब्लॉग को देखिएगा, प्लीज स्किप मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मेरे से। हाँ, पहले मैं अपनी क्वालिफिकेशन बता देती हूँ और फिर बताती हूँ कैसे मेरी जर्नी ये स्टार्ट हुई। तो मैं हूँ एमकॉम, एमएड, एमबीए, एंड आई हैव डन बीएड एंड ऑफ कोर्स मास्टर्स इन एजुकेशन। आई एम डबल नेट क्वालिफाइड, मेरा नेट कॉमर्स में भी क्वालिफाइड है और एजुकेशन में भी क्वालिफाइड है। तो ये है मेरी छोटी सी क्वालिफिकेशन, ज्यादा तो नहीं कुछ किया मैं। एंड यस, आई एम परस्यूइंग माई पीएचडी टू, होपफुली नेक्स्ट ईयर मेरे को अवार्ड हो जाए, नेक्स्ट नहीं तो 2023 की न्यू ईयर में जरूर हो जाएगी 100%। तो यही है मेरी क्वालिफिकेशन। अब शुरू करते हैं कैसे क्या, मेरा बैकग्राउंड क्या रहा। आपने देखा आई एम अ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, फिर मैं एजुकेशन लाइन में चले गई। तो बताते हैं स्टार्टिंग से, चलिए। एंड यस, अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भूलने मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ काफी बार, मेरे फादर जो हैं वो आईयूसीएल में रहे थे, एंड तो हम लोग वही रिफाइनरी वाले लोग कहलाते हैं। आईयूसीएल वाले जो लोग होंगे वो इस चीज को समझ पाएंगे। तो वी आर रिफाइनरियंस, है ना, हम रिफाइनरी में रहे हैं थ्रू आउट, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहे हैं। तो हम लोग रिफाइनरी में रहे हैं शुरू से, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ आईयूसीएल में इंजीनियर थे। तो जो मेरा बेस बना, स्टार्टिंग हुई बेस की, डेट वॉज फ्रॉम मथुरा रिफाइनरी, एंड हम लोग पढ़े थे केवी में, केवी मथुरा रिफाइनरी में। एंड देन पापा का ट्रांसफर हो गया मेरा थर्ड क्लास में, एंड थर्ड क्लास में हम पहुंच गए थे गुजरात, गुजरात रिफाइनरी वडोदरा, जो मैं कई बार बता भी चुकी हूँ अपने ब्लॉग्स में। मेरी पूरी स्कूलिंग उसके बाद बड़ोड़ा में हुई है, देयर वॉज गुजरात रिफाइनरी इंग्लिश मीडियम। वहां पे रिफाइनरी में दो स्कूल थे, गुजरात रिफाइनरी इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड गुजरात रिफाइनरी गुजराती मीडियम स्कूल। तो ऑफकोर्स गुजराती से तो मुझे मतलब था नहीं हमें, तो हमारा एडमिशन हुआ गुजरात रिफाइनरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में। प्रॉब्लम आई क्योंकि केवी से एकदम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करने में इश्यू आया था, नो डाउट, और गुजराती आ गई तो थोड़े चैलेंजेस फेस किए उस टाइम पे, लेकिन चलिए वो भी हो गया। तब मैं ट्वेल्थ में आई, सॉरी टेंथ में, तब मैं आई। टेंथ के बाद सबसे बड़ी आता है कैरियर अपॉर्चुनिटीज, जो आज के टाइम में तो हमें पता है, लेकिन उस टाइम पे ना तो मेरे फादर ना हम भाई बहन, हमें ज्यादा इतना कोई नॉलेज नहीं थी। तो टेंथ के बाद मैंने ले लिया कॉमर्स, क्योंकि साइंस और कॉमर्स दो ही स्ट्रीम थे हमारे स्कूल में, एंड आर्ट्स के बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं था कि ह्यूमैनिटीज में आर्ट्स क्या होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने ले लिया कॉमर्स, क्योंकि साइंस तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, वो केमिस्ट्री मुझे आज तक नहीं समझ आई। तो मैंने बिल्कुल साइंस तो नहीं लेना था, मैंने कॉमर्स ले लिया, कॉमर्स स्टूडेंट में रह गई। ट्वेल्थ में जब हमारा एग्जाम था, यू वोंट बिलीव, उस टाइम तो बोर्ड एग्जाम कितने सीरियस होते थे, आज के टाइम में तो खैर 90-100 तक परसेंटेज बच्चों की आ जाती है, 99%, बट उस टाइम पे 2002 में मैंने अपनी ट्वेल्थ की थी हायर सेकेंडरी। तो उस टाइम पे जैसे आजकल एग्जाम है, आज हम सेंटर देखने में जाना था, उस टाइम सेंटर हम देखने जाते थे, तो मुझे आज सेंटर देखने जाना है, एंड हम एकदम से न्यूज में देखते हैं कि उस टाइम पे राइड्स हो गए थे गुजरात में। अगर आप 2002 राइड्स गुजरात में टाइप करेंगे तो आपको दिख जाएगा, बड़ोड़ा में बहुत ज्यादा राइड्स हो गए थे और हमारा बोर्ड एग्जाम खत्म, मीन्स कैंसिल, पोस्टपोन हो गया था। तो आप सोच सकते हो बच्चा रेडी है, बोर्ड के लिए कितना प्रेशर होता है, सब तैयारी थी, नेक्स्ट डे खत्म, अब हमें पता नहीं कब एग्जाम होने वाला था। फिर काफी टाइम बाद वो राइट्स वाइट सॉल्व हुए, तो एक दो महीने बाद हमारा जब एग्जाम हुआ, तो एग्जाम हो गया, उसके बाद मेरे फादर का ट्रांसफर हो गया था वहां से, तो एग्जाम देके मैं वहां से आ गई थी। रिजल्ट वहां पे नहीं, मिस मुझे नहीं पता रिजल्ट बाद में आया, जब मैं अपने भरतपुर, जब मैं अपने घर, मैं बोल लूँ उसके बाद लास्ट में, जब फिर हम लोग वहां से जब गुजरात से ट्रांसफर हुआ तो हम लोग अपने होम टाउन में शिफ्ट हो गए, हमारा खुद का घर है भरतपुर में। तो शुरू से ही था, पापा ने बना रखा था वहां बुआ जी, और रेंट पे दे रखा था, पीछे बुआ जी लोग रहते थे,
तो हम वहां पे शिफ्ट हो गए कि अब इधर उधर ना जाके हम अपने घर में रहेंगे। पापा मथुरा रिफाइनरी ट्रांसफर हो गए थे अगेन, तो पापा मथुरा रिफाइनरी में रह रहे थे, हम लोग मम्मी और हम लोगों का अपना शिफ्ट हो गए थे हम लोग तो भरतपुर में। तो वहां पे जब रिजल्ट आया फिर बोर्ड का, तो मुझे मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कॉल करके बताया कि आई वॉज द सेकेंड टॉपर इन द स्कूल बोर्ड्स में, मैं सेकेंड टॉपर थी। मैं कभी देखिए बहुत स्टूडियस नहीं रही हूँ, बहुत ज्यादा मुझे कभी किसी चीज का गर्व या घमंड नहीं रहा है, ना मैंने चाहा है कि मुझे ये ऐसा कुछ करना है कि टॉप करना है, बट लकीली आई वॉज द सेकेंड टॉपर इन द स्कूल। और वो राइट्स के बाद में, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर भी पड़ा था, तो परसेंटेज भी बहुत ज्यादा हाई नहीं गई थी उस टाइम पे। हाईएस्ट मेरी फ्रेंड की थी अनु की, अराउंड 80s में थी शायद, और मेरी थी 70s में। आप देख सकते हो फर्स्ट और सेकंड टॉपर में कितना डिफरेंस था। और बिलीव मी उसके बाद जो थर्ड फोर्थ थे सारे 60s में थे, तो बहुत ज्यादा उस टाइम पे जो परसेंटेज कम रहती थी, आप देख सकते हैं। उसके बाद ऑफकोर्स कॉमर्स बैकग्राउंड था, मेरे फादर में कोई धर लिया है, मैं बता चुकी हूँ कि मुझे जाना था एयर होस्टेस या फैशन डिजाइनिंग लाइन में, बट मेरे फादर वॉज अगेंस्ट इट। तो फिर हम हो गए शिफ्ट भरतपुर, और फिर भरतपुर में मैंने ले लिया बीकॉम, क्योंकि और कोई ऑप्शन मुझे उस टाइम पे नहीं समझ में आया, ना किसी ने मुझे कोई गाइड किया, तो मैंने बीकॉम ले लिया। बीकॉम किया बट एकदम से राजस्थान में शिफ्ट हो गई थी। अब पहले देखिए हिंदी से इंग्लिश मीडियम में गई, फिर इंग्लिश मीडियम से एकदम से हिंदी में आना। आप सोच सकते हो जो बच्चा 12th तक थ्रू आउट इंग्लिश पढ़ा हुआ है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ था, और वहां इतना हिंदी का तो था ही नहीं, गुजरात था, तो इंग्लिश में मैं पढ़ी थी, और एकदम राजस्थान में आ गई तो मुझे लिटरली कुछ नहीं समझ आता था जो टीचर्स पढ़ाते थे, क्योंकि टर्म्स बहुत हिंदी के बहुत टिपिकल टर्म्स होते हैं कॉमर्स में। एंड राजस्थान में अगर आप जाएंगे ना, स्पेशली जो ये भरतपुर जैसे होम छोटे छोटे जो शहर है, वहां पे टिपिकल हिंदी की भाषा का यूज किया जाता है, जो मुझे कुछ नहीं समझ आता था। तो ग्रेजुएशन मैंने ट्यूशन लगाया, मैंने ऐसे तैसे करके ग्रेजुएशन अपने दम पे अपने नोट्स के बेसिस पे मैंने पढ़ी। उसके बाद मेरे फादर ने फिर मेरे को बोला, मेरे भैया है बुआ जी के बेटे है, उन्होंने बहुत वो हमेशा हमें गाइड करते हैं, उसके बाद से गाइडेंस भैया का शुरू हुआ। तो उन्होंने बोला बीएड कर लो, बीएड कर लो, मुझे इंटरेस्ट नहीं था बट पापा को था कि बीएड कर लो। लकीली मेरा दयालबाग इंस्टीट्यूट है आगरा, वहां पे नंबर आ गया, तो वहां से मैंने फिर बीएड की। बीएड के बाद ऑफकोर्स बीएड के बाद फिर मेरे अंदर थोड़ा सा नॉलेज डेवलप हुई, एंड मुझे था कि बीकॉम के बाद, एक्चुअली बीकॉम के बाद है ना बीएड हर जगह होती नहीं है, लेकिन यूपी में होती है, क्योंकि वहां पे स्कूल्स में छोटे स्कूल्स में भी कॉमर्स स्टार्ट है। आप देखोगे ना 8th 9th में भी कॉमर्स है, तो इसीलिए वहां पे बीएड होती है बीकॉम के बाद भी, आप एलिजिबल हो बीकॉम के बाद बीएड करने के लिए। और उसके बाद फिर मुझे एमएड अपने बिलिंगली करना था, तो मैंने एमएड दयालबाग में भी एग्जाम दिया था, इंटरव्यू दिया था, और राजस्थान का भी भरा था, एंड साथ में ही मैंने एमकॉम में भी एडमिशन ले लिया था मथुरा में ही, क्योंकि पापा रिफाइनरी में थे तो मैंने वहीं पे कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया था। लेकिन एमएड में मेरे को था दयालबाग में मेरा हो जाएगा, बट नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया था, तो मेरे को बड़ा वो था। लेकिन फिर मैंने एमकॉम में एडमिशन ले लिया कि चलो कोई बात नहीं। राजस्थान के भी रिजल्ट शायद कट ऑफ आई थी कि क्या, मैंने कभी ध्यान, राजस्थान में मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं था, मैंने बस भर दिया था एमएड का। एमकॉम में जब मैंने एडमिशन ले लिया, मैं एक दिन कॉलेज भी गई, उसके बाद एकदम से मुझे रिजल्ट आया कि मेरा एमएड में नंबर आ रहा था, एंड नो डाउट एमएड मेरा मन था, क्योंकि मैं लेक्चरशिप में जाना चाहती थी, तो मुझे लगा नहीं मुझे एमएड करनी है, क्योंकि एमएड के बाद उस टाइम टीचिंग लाइन में स्कोप था, प्राइवेट तो था ही। तो मैंने उसके बाद एमएड मैं राजस्थान में गई, काउंसलिंग की मैंने राजस्थान में, और मुझे अचरूल में कॉलेज मिल गया, वसुंधरा महाविद्यालय, अचरूल जयपुर हाईवे पे है ये कॉलेज, वसुंधरा महाविद्यालय। फर्स्ट एमएड बैच था वहां का, जहां से मैं पास आउट हूँ। लकीली एमएड में मैंने टॉप किया कॉलेज अगेन, आई वॉज अ टॉपर एमएड में, चूंकि अगेन मेरे को मैंने सोचा नहीं था, ना मेरा प्लान था, बस मैं अपनी मेहनत करती हूँ और एग्जाम दे देती हूँ कोई भी एग्जाम हो। तो लकीली मेरा वहां पे भी टॉपर में रही। एंड उसके बाद क्या हुआ, वहीं पे जो हमारे सर हैं, सर ने कहा कि आप लोग यहीं पे जॉब कर लीजिए, एमएड के बाद आप लोग टीचिंग को जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं बीएड वाले, वहां पे एलिजिबल हो जाते हैं पढ़ाने के लिए। तो हाँ, वहां पे फिर हमें सर ने बोला, मैं हम दो तीन फ्रेंड्स से सबको बोला कि आप यहीं ज्वाइन कर लीजिए। तो आप देखिए 2002 में मैंने बीकॉम किया, सॉरी 12th किया, 2005 में मेरा बीकॉम हो गया, 6 में मैंने बीएड किया, 7 में मेरा एमएड हो गया, और 7 से आई एम वर्किंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर लकीली टच वुड, तब से मैं जॉब कर रही हूँ। हाँ बोला 2007 में जब मैंने नेट एमएड दिया, साथ में ही हमने नेट का एग्जाम भर दिया था। मुझे उस टाइम नहीं पता था नेट क्या होता है, उसे क्या होता है, क्या फायदे, मुझे नहीं पता था। मैंने ऐसे ही एमएड करने के बाद, हम एक महीने जयपुर में रहे मेरी फ्रेंड्स और हम लोग,
और हमने एग्जाम दिया एंड लकीली मेरा उस टाइम पे नेट क्लियर हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में अगेन. तो वो भी मेरा प्लान नहीं था, आप देख सकते हो कि प्लान नहीं था, लेकिन यस मेहनत करी क्योंकि आपका बेस देखिए यहीं से अगर नेट आप एग्जाम देते हैं अगर आपका बेस अच्छा बना है पीजी का तो आप इजीली नेट क्लियर कर सकते हैं. मेरा एमएड में आप देख सकते हो कि आई वॉज अ टॉपर, तो ऑफकोर्स पढ़ा होगा तभी टॉपर थी और पढ़ा तो वो पढ़ा हुआ ही मेरे काम आया मेरी नेट के एग्जाम में. तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एजुकेशन का नेट क्लियर हो गया था, तो तभी से फिर इसीलिए मैं वहां जॉब करने लग गई थी क्योंकि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी लेक्चरशिप के लिए है वो है नेट क्वालिफाइड पीजी, पीजी में 55% प्लस नेट क्वालिफाइड होना चाहिए. तो वो मेरा है ना, वो मेरा तभी हो गया था 2007. तो तब से, तो 2007 में मैं जॉब कर रही, 2007 से उसी कॉलेज में सर ने हमें अपॉइंट कर लिया. बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात होती है जिस कॉलेज के आप स्टूडेंट है वहीं पे एज अ टीचर वर्क करना, तो बहुत प्रेस्टिजियस मोमेंट था वो हमारे लिए. और हम वहाँ पे तीन चार फ्रेंड्स से हम लोग वहीं हॉस्टल में रहने लगे और वहीं पे हमने अपना जॉब शुरू कर दिया. तो ऐसे मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ 2007 से. मैं वर्क करने लग गई थी एज अ लेक्चरर और साइमेंटेनियसली फिर मैंने अपना एमकॉम भरा ओपन स्कूल से, मैंने वो ओपन स्कूल से किया हुआ है. और फिर दो साल 2009 में मेरा जब फाइनल ईयर था उस टाइम मेरी शादी हो गई थी, एग्जाम से पहले ही मेरी शादी हो गई थी एंड देन मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई. और दिल्ली के बाद मैंने एक साल अपने फैमिली को दिया, इन लॉज को दिया, और उसके बाद फिर मैं आईपी यूनिवर्सिटी संत हरिदास कॉलेज नजफगढ़ में है वहां पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए अपॉइंट हो गई थी एजुकेशन लाइन में, क्योंकि तब तक मेरा नेट जो है एजुकेशन में क्लियर हो गया था. अच्छा हाँ, फिर यहाँ आईपी में मैं जॉब करने लगी. आईपी में उस टाइम पे जो हमारा कॉलेज था संत हरिदास कॉलेज वहां पे बीकॉम बीबीए नहीं था, बाद में एफिलिएशन मिला है उसका, तब तक वहां पे जेबीटी और बीएड था. तो उसको मैंने पढ़ाया, बहुत मजे से पढ़ाया, बच्चे आज तक मेरे टच में है, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मिले, फ्रेंड्स कलीग्स मेरे बहुत अच्छे मिले. और उसके बाद फिर मैं भिवाड़ी शिफ्ट हो गई थी एक साल के लिए जब आयुष मैं प्रेगनेंट हुई, क्योंकि आयुष बहुत 5 साल बाद हुआ था. उस टाइम मैंने फिर ब्रेक दिया अपने आप को और मैं शिफ्ट हो गई भिवाड़ी में. हाँ मैं बताऊंगी, भिवाड़ी में शिफ्ट हो गई थी, भिवाड़ी में हमारा खुद का घर है, तो एक साल हम वहां रहे, एक या दो साल ही रहे बस. उसके बाद मेरे हस्बैंड का एक्चुअली दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब में जॉब लग गई. पहले ही वॉज इन मेदांता मेडिसिटी गुड़गांव हॉस्पिटल में थे वो, कार्डियो डिपार्टमेंट में. तो तब तक गुड़गांव तो भिवाड़ी से आया जाना हो जाता था, लेकिन फिर इनका यहाँ पे हो गया संजय गांधी हॉस्पिटल मंगोलपुरी में एज अ मेडिकल ऑफिसर. तो उसके बाद लाइफ ने फिर एक यू टर्न लिया एंड वापस हम दिल्ली में आ गए. और उस टाइम फिर मैंने संत हरिदास कॉलेज ज्वाइन कर लिया क्योंकि वो मेरी फैमिली है. आप कह सकते हैं वो मेरी खुद की पर्स. अभी तक अगर मैं जाऊंगी तो वहाँ के टीचर्स जो सर जो हैं, जो चेयरमैन हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो लाइक अ फैमिली ही है. वो तुरंत हमें जॉब में दे देते हैं क्योंकि हमारा भी एक अच्छा रिलेशन रहा है और ऑफकोर्स टीचिंग तो अच्छी है ही है. तो फिर वापस मैंने संत हरिदास ज्वाइन किया, लेकिन बच्चे के साथ थोड़ा इश्यू आ रहा था. आयुष बहुत छोटा था, 1.5 साल का था आयुष उस टाइम पे. मुझे डीयू के बारे में मालूम चला, तब तक मुझे डीयू का नहीं पता था कि डीयू में एडॉक पैनल होता है, आपको एडॉक पैनल में एनरोल करना होता है अपने आप को, फिर ही आप एज अ एडॉक कहीं पे जॉब कर सकते हैं. तो मुझे मालूम चला, मैंने एडॉक का फॉर्म भरा और फिर इंटरव्यू कॉल्स आए, तो मैंने 2-3 जगह इंटरव्यू दिए एंड लकीली अगेन लकीली टच वुड कि मेरा सेकेंड या थर्ड कॉलेज को मैंने इंटरव्यू दिया और वहां पे मेरा हो गया. इनफैक्ट जो कॉलेज मैंने छोड़े सीवी कॉलेज था, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, वहां मेरा इंटरव्यू हुआ. वहां पे आई वॉज सिलेक्टेड, लेकिन उस टाइम पे वहां पे जो मुझे सब्जेक्ट दे रहे थे वो जो थे बिजनेस मैथ्स एंड आई वॉज नॉट विलिंग टू टीच दैट सब्जेक्ट, क्योंकि अभी तक मैं एजुकेशन लाइन में थी और एकदम से बीकॉम लाइन में आके बिजनेस मैथ्स पढ़ाना वॉज नॉट ईजी फॉर मी. तो मैंने वो डिनाई कर दिया था. बट वहाँ टीचर्स बहुत अच्छे थे, सर्वर बहुत अच्छे थे एंड वो दे वॉन्टेड कि मैं ज्वाइन करूँ, बट मैंने उस टाइम नहीं किया था वहां पे. उसके बाद अदिति महाविद्यालय में मेरा आ गया और तब से मेरी अदिति महाविद्यालय की जर्नी चल रही है. तो इस तरीके से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनी हूँ एंड आप देख सकते हो कोई बैक सोर्स नहीं, कुछ नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, सब कुछ जो भी हुआ है अपने दम पे, अपने बलबूते पे मैंने किया है. आज जो मैं हूँ अपने बलबूते पे हूँ एंड यस ऑफकोर्स विद द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली. और ये जॉब में भी जब मैं आई, देखिए शादी के बाद एंड हमारी कम्युनिटी में अगर आप देखेंगे, मीना कम्युनिटी अभी तो काफी डेवलप हो गई है, लेकिन यूजली लोग जॉब जो बहुओं को जॉब कराना इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं. बट आई एम लकी कि मेरे इन लॉज ने कभी मुझे डिनाई नहीं किया एंड स्पेशली माई हस्बैंड.
मम्मी को तो फिर भी शायद कई बार लगा कि तू बच्चों को छोड़ के क्या जॉब कर रही है, बच्चों पे ध्यान दो ये वो, बट लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, ये हमेशा कहते हैं कि नहीं जॉब जरूर करना चाहिए, अगर आप इतने एजुकेटेड हो, पढ़े हो, आपके पेरेंट्स ने आपको इतना पढ़ाया है तो जॉब करिए, और तभी से मैं जॉब कर रही हूँ। तो बहुत यंग एज से मैं जॉब कर रही हूँ गर्ल्स एंड फ्रेंड्स, तो यही मैं आप लोगों को भी बोलना चाहूंगी कि देखिए मेहनत करते रहिए, अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपको वो चीज जरूर मिलेगी, यस, लेकिन आपको ट्राई जरूर करना है। किस्मत खुद तो चल के आपके पास नहीं आएगी, आपको कुछ तो करना पड़ेगा, आपको एग्जाम देने पड़ेंगे या आपको अप्लाई तो करना पड़ेगा, वो जरूरी है करना। तो यही थी मेरी जर्नी और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, तो फिलहाल मैं एक एडहॉक हूँ, होपफुली परमानेंट हो जाए टचवुड, बाकी इलाके, बाकी मैं खुश हूँ, जैसे हूँ वैसे भी मैं खुश हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है। तो ये थी मेरी जर्नी फ्रेंड्स, एंड इसके सेकंड ब्लॉग को मैं कंटिन्यू रखूंगी। जो आप लोग जानना चाहते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज हैं मेरे इस ब्लॉग को देखने के बाद, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और उन क्वेरीज को लेके मैं नेक्स्ट ब्लॉग जरूर बनाऊंगी अगर आप लोगों की डिमांड आती है तो। सो दिस वॉज माई जर्नी फ्रेंड्स, और आप लोग क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स, मैं आपके साथ एक और ब्लॉग बनाऊंगी इसी टॉपिक के ऊपर, वो भी मेरा वाला। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बाय। चल अब तेरा बना देती हूँ, देख क्लास का टाइम नहीं हो गया।